हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक स्टार्ट विद वाई है, जिसको साइमन सिनेक ने लिखा है, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट भी हैं। उन्होंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं। इसके साथ साथ वो द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फास्ट कंपनी और बिजनेस वीक के लिए भी लिखते हैं। ये ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं जहां हर कोई अपना काम सही से पूरा कर रहा है और वो अपने वाई को जानते हैं और लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उन्हें इंस्पायर करती हैं। सो इस वीडियो को डिटेल्स में समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, अज्यूम यू नो। स्टार्ट विद वाई का पहला चैप्टर उन मान्यताओं के बारे में है जो हम बनाते हैं और हमारे एक्शंस पर उनका इम्पैक्ट होता है। सिनेक उदाहरण देते हैं कि जहां बड़ी पिक्चर को देखकर हम अपने बिहेवियर को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की तरफ ड्राइव करते हैं। जापानीज और अमेरिकन कार मेकर्स का एक क्लासिक एग्जांपल लें। अमेरिकन कार फैक्ट्रीज में असेंबली लाइन पर वर्कर्स रबर मैलेट का यूज करके दरवाजों को फाइनल फिक्स करते हैं, जबकि जापान में दरवाजे शुरू से ही पूरी तरह फिट होने के लिए इंजीनियर होते हैं। यह लीडरशिप का एक एग्जांपल भी है। दो प्रकार के लीडर्स हैं, जो एंड रिजल्ट्स पाने के लिए हेर फेर करने का निर्णय लेते हैं और जो एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं और बाकी सब नेचुरल रूप से होने देते हैं। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स। सिनेक के अनुसार कस्टमर्स को आकर्षित करने के दो तरीके हैं, कैरेट्स को इंस्पायर करना और स्टिक्स से छेड़छाड़ करना। आज ज्यादातर बिजनेसेस द्वारा उपयोग की जाने वाली सेल्स टेक्निक में हेर फेर होता है। इनमें प्राइस, प्रमोशन, फियर, एस्पिरेशन और पीयर प्रेशर भी शामिल है। हेरफेर के बावजूद यह समझना इम्पोर्टेंट है कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं जो एंड में बहुत सारी हेरफेर में चला जाता है। इस रास्ते में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल सिनेक द्वारा बताया गया एक कॉन्सेप्ट है। यह दिखाता है कि कुछ लीडर के पास केवल काम करने के लिए लोगों को हेर फेर करने के बजाय एक्शंस करने को इंस्पायर करना चाहिए। सिनेक के स्टार्ट विद वाई की डिस्कवरी उनकी गोल्डन सर्कल की खोज है। गोल्डन सर्कल के 3 भाग हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई, बहुत कम लोग और कंपनीज क्लियरली ये बताती हैं कि वो जो करते हैं क्यों करते हैं। यह एक प्रॉफिटेबल कंपनी चलाने के बारे में नहीं है, ये एक रिजल्ट है। ये सब अपने पर्पस के बारे में क्यों है, आपने कंपनी क्यों बनाई है, आप सुबह क्यों उठते हैं और किसी को आपकी परवाह क्यों होनी चाहिए। हाउ, कुछ लोगों और कंपनियों को पता है कि जो भी वो करते हैं वो कैसे करते हैं, चाहे आप उन्हें डिफरेंशिएटिंग वैल्यू प्रपोजिशन कहें या फिर एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कहें। हाउस अक्सर यह बताने के लिए दिए जाते हैं कि कुछ अलग या बेहतर कैसे होता है। व्हाट, हर कंपनी को पता है कि वे क्या करते हैं। यह सच है कि कंपनी कितनी भी बड़ी हो या छोटी क्यों ना हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हर कोई आसानी से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कंपनी क्या बेचती है और कंपनी के अंदर काम कैसे होता है। जब हम वाई से शुरू करते हैं, हम सर्कल के अंदर से बाहर जाते हैं। वाई खरीदने का कारण है और व्हाट केवल उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट कारण हो सकता है जिससे हमें पता चलता है कि हम एक कंपनी को दूसरे से ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। सिनेक एप्पल के एग्जाम्पल को समझाते हैं। उनकी राय में एप्पल तकनीकी रूप से कंपटीशन से अलग नहीं है, लेकिन एप्पल वाई के साथ काम करती है। एप्पल का वाई प्रेजेंट सिचुएशन को चैलेंज देने और लोगों को एम्पावर करता है और उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को चैलेंज देना एक पैटर्न है जो वे सभी कहते और करते हैं। यही कारण है कि लोग एप्पल को ऑथेंटिक मानते हैं। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। चैप्टर 4 ह्यूमन नेचर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करके शुरू होता है। यह इच्छा हमें दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है जो हमारे जैसा वाय रखते हैं। और अजीब तरह से गोल्डन सर्कल हमारे माइंड के चलने के तरीके से मेल खाता है। नियोकॉर्टेक्स, हमारा नियोकॉर्टेक्स व्हाट लेवल से मेल खाता है, ये हमारे सभी रैशनल और एनालिटिकल थॉट्स और लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार है। यह हमें भारी मात्रा में फैक्ट्स और फिगर के माध्यम से देखने देता है, लेकिन यह हमारा बिहेवियर ड्राइव नहीं करता। लिम्बिक ब्रेन, बीच के 2 सेक्शन हमारे लिम्बिक ब्रेन को बनाते हैं और हमारी सभी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी।
यह मोटे तौर पर वाई लेवल से मेल खाती है। ब्रेन का यह एरिया सभी ह्यूमन बिहेवियर और हमारे सभी डिसीजन के लिए जिम्मेदार है। हम उन लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहना चाहते हैं जो हमारे जैसे हैं और हमारे बिलीफ को मानते हैं। वे हमें इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं, जैसे हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर कंपनियां आमतौर पर व्हाट और हाउ से शुरू होती हैं, लेकिन यही उनके कस्टमर डिमांड करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि कस्टमर्स कम कीमत, 24 घंटे की सेवा और बहुत सारी सुविधाओं के लिए पूछते हैं। और यह सभी वैज्ञानिक रूप से लग रहा है क्योंकि ये डेटा पर आधारित है। डिसीजन लेने का कंट्रोल करने वाले माइंड का हिस्सा माइंड के पीछे के हिस्से वाई के डिसीजन से अलग होता है। चैप्टर 5 क्लैरिटी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि गोल्डन सर्कल कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल सही सीक्वेंस में। द 3 degrees ऑफ सर्टेनिटी। जब हम केवल टेंजिबल एलिमेंट्स या रैशनल मेजरमेंट को पॉइंट कर सकते हैं तो हम जो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं उसका ये हाईएस्ट लेवल है। मुझे लगता है कि यह सही डिसीजन है। जब हम गट के साथ डिसीजन लेते हैं तो हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस जो हमें दिखा सकते हैं वह है डिसीजन सही लगता है, भले ही यह सभी फैक्ट्स एंड फिगर के सामने अलग हो। वर्ड्स में वाई डालने की क्षमता डिसीजन लेने के लिए इमोशनल कॉन्टेक्स्ट देता है। जब आप अपने वाई जानते हैं तो आपके द्वारा दिखाया जाने वाला कॉन्फिडेंस का हाईएस्ट लेवल है। मुझे पता है ये ठीक है। जब आप जानते हैं कि डिसीजन सही है तो न केवल यह सही लगता है बल्कि आप इसे रैशनलाइज भी बना सकते हैं और आसानी से शब्दों में डाल सकते हैं। बिजनेस का गोल उसके साथ बिजनेस करना नहीं होना चाहिए जो बस वो चाहते हैं जो आपके पास है। यह उन लोगों पर फोकस करने के लिए होना चाहिए जो मानते हैं कि आप क्या बिलीव करते हैं। चैप्टर 6 द इमरजेंसी ऑफ ट्रस्ट। विश्वास तब होना शुरू होता है जब हम देखते हैं कि लोग और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कारणों से इंस्पायर होते हैं जो सेल्फ सर्विंग के बियॉन्ड जाते हैं। आपने वाई, हाउ और व्हाट को अलाइन करना उस पर विश्वास को बनाने का एक तरीका है। व्हाट एंड डिफरेंशिएशन। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स की तरह काम करने वाली कंपनियों के पास चैलेंज से खुद को अलग करने की कंसिस्टेंट फाइट होती है। कंपटीशन का पीछा करते हुए उन्हें फीचर फॉर फीचर से मिलाने की कोशिश केवल व्हाट कल्चर को डीप करती है। वाई एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि कंज्यूमर वाई से इंस्पायर्ड होते हैं जो आप करते हैं। जो कंपनियां वाई के साथ बात करना शुरू करती हैं उनके पास मार्केट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एप्पल और डेल का एग्जाम्पल लें। एप्पल कंप्यूटर बनाता है, एप्पल आईपैड्स और आईफोन भी बनाता है। दूसरी ओर डेल को वर्ड के साथ डिफाइन किया गया है। डेल कंप्यूटर बेचता है, इसलिए कंज्यूमर को उनके टैबलेट या स्मार्टफोन कुछ भी खरीदने में कंफर्ट महसूस नहीं होता। उन्होंने अलग अलग वर्टिकल में एक्सपैंड करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से वो अपने मेन बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। जब वाई तस्वीर में है तो सिनेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज को बताते हैं। क्रिएटिव और एप्पल का एग्जांपल लें। क्रिएटिव एक MP3 प्लेयर का निर्माण करने में अधिक सक्षम था और वो फर्स्ट थे, लेकिन उन्होंने 5GB MP3 प्लेयर के रूप में अपनी इमेज की मार्केटिंग की वट की तरह। इसके बजाय एप्पल ने आईपॉड को आपकी जेब में 1000 गाने के रूप में एक्सप्लेन किया, जिससे हमें वाई पता चला। Why and hiring। जब एम्प्लॉय कनेक्ट होंगे तो वो आपकी सक्सेस की गारंटी देंगे और वो आपके लिए कुछ भी इनोवेशन सॉल्यूशन ढूंढेंगे और वो ये सब खुद के लिए कर रहे होंगे। गोल उन लोगों को हायर करना है जो आपके why, आपके पर्पस और विश्वास के बारे में पैशनेट हैं और जिनके पास आपके कल्चर में फिट करने वाला एटीट्यूड है। एक बार जो एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद ही उनके स्किल सेट और एक्सपीरियंस को एवेल्युएट किया जाना चाहिए। ग्रेट कंपनीज स्किल्ड लोगों को हायर और इंस्पायर नहीं करती, वे पहले से ही मोटिवेटेड लोगों को हायर और इंस्पायर करते हैं। वाई की एक स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने में सक्षम हैं। ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले और इनोवेटिव होते हैं और वो जिस फीलिंग्स को लाते हैं वह अन्य लोगों को भी वहां काम करने के लिए अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 7 हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। आप एक सोच और एक आइडिया के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं जो जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। रॉजर्स द्वारा बताए गए लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस बेल कर्व ऑफ प्रोडक्ट एडॉप्शन से रिलेटेड है। बेल कर्व मार्केट के परसेंटेजेस को बताता है जो आपके प्रोडक्ट को अपनाते हैं। इनोवेटर्स 2.5% के साथ शुरुआत करते हैं, इसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%
अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34% और लैगार्ड्स 16% आते हैं। लेटेस्ट आईफोन खरीदने के लिए जो लोग एप्पल स्टोर के बाहर घंटों या दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं वे सभी अर्ली एडॉप्शन होते हैं और कर्व के लेफ्ट साइड में होते हैं, और इसके बजाय फार राइट के लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते और कभी लॉयल नहीं होते। एक बिजनेस के लिए इस कर्व फार राइट को बेहतर तरीके से जानना समझदारी होगी ताकि आप उन्हें चेंज करने की कोशिश में टाइम और मनी बर्बाद ना करें। हालांकि उनमें से कुछ के साथ बिजनेस करना एंड कर सकते हैं, वो शायद जल्दी आपकी कंपटीशन के साथ काम करना शुरू कर दें अगर उन्हें बेहतर ऑफर मिले। एक बिजनेस का गोल तब उनके वाई के बारे में क्लियर होना और उन लोगों को ढूंढना है जो आप पर विश्वास करते हैं। एक बार जब आप कर्व के लेफ्ट साइड 15-18% के लिए काफी हो जाते हैं तो वो बाकियों को फॉलो करने के लिए इनकरेज करते हैं। चैप्टर 8, स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। एनर्जी मोटिवेट करती है लेकिन करिश्मा इंस्पायर करता है। एनर्जी को देखना, मेजर और कॉपी करना आसान है। सभी ग्रेट लीडर्स में करिश्मा है क्योंकि सभी ग्रेट लीडर्स में वाई की क्लैरिटी है। सिनिक बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर का एग्जांपल देते हैं। स्टीव बॉलमर बहुत एनर्जेटिक थे, बिल गेट्स शर्मीले और अजीब होने के बावजूद करिश्मेटिक थे। जब स्टीव बॉलमर बोलते हैं तो लोग एनर्जाइज हो जाते हैं लेकिन यह जल्दी से कम हो जाता है। जब बिल गेट्स बोलते हैं तब लोग सांसों को रोक कर सुनते हैं। लोग उन लर्निंग्स को हफ्ते, महीने और सालों तक याद रखते हैं। करिश्मा लॉयलिटी कमांड करती है जबकि एनर्जी नहीं। वाई एंड हाउ टाइप्स। हर वाई टाइप के लीडर के पीछे एक हाउ टाइप का लीडर होता है जो वाई को जीवन में लाता है। वाई टाइप विजनरीज के साथ ओवर एक्टिव इमेजिनेशन होते हैं। वे ऑप्टिमिस्ट होते हैं जो मानते हैं कि वे जो कुछ कल्पना कर सकते हैं उसे पूरा किया जा सकता है, और वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग फ्यूचर की तरह नहीं देख सकते। हाउ इसके बजाय ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा रियलिस्ट है और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो ज्यादातर लोग देख सकते हैं और उन्हें बनाने में बेहतर हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिनेक का कहना है कि हाउ टाइप के लोग बहुत सफल हो सकते हैं लेकिन शायद ही कभी वो अरबों डॉलर का बिजनेस बनाते हैं जो दुनिया को बदलते हैं, जबकि हाउ टाइप को सफल होने के लिए वाई टाइप की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वाई टाइप को हमेशा हाउ टाइप की आवश्यकता होती है या वो स्टार्विंग विजनरी की तरह समाप्त हो जाते हैं। विजन और मिशन स्टेटमेंट। वाई और हाउ के बीच का डिफरेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन स्टेटमेंट के बीच के अंतर को भी दिखाता है। कंपनी की स्थापना के बाद विजन का उद्देश्य वाई है। मिशन हाउ को डिस्क्राइब करता है जो कंपनी भविष्य का निर्माण करेगी। जब दोनों क्लियर होते हैं तो यह वाई और हाउ टाइप के लीडर्स को पार्टनरशिप में क्लियर तरह से समझाने में मदद करेगा। चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। जब कोई कंपनी छोटी होती है तो एक फाउंडर का बाहरी दुनिया के साथ बहुत सीधा संपर्क होता है। जैसे जैसे लीडर ग्रो होता है तब उनका रोल बदलता जाता है। वाई माइंड के उस हिस्से में मौजूद है जो फीलिंग्स और डिसीजन लेने को कंट्रोल करता है लेकिन लैंग्वेज को नहीं। व्हाट माइंड के उस हिस्से में मौजूद है जो रैशनल सोच और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। लीडर इंस्पिरेशन है, जो हम करते हैं उसके रीजन का सिंबल होता है। वो इमोशनल लिम्बिक ब्रेन रिप्रेजेंट करता है। कंपनी क्या कहती है और क्या करती है ये रैशनल सोच और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादातर कंपनियां बाहरी दुनिया में अपनी ट्रू वैल्यू में अंतर करने और कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रगल करती हैं। जब हम इंसान इमोशंस को वर्ड में ढालने के लिए संघर्ष करते हैं तो हम ये महसूस करने की कोशिश में मेटाफर्स, इमेजरी और एनालॉजीज पर भरोसा करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। हम सिंबल्स को यूज करते हैं, हम उन लोगों के लिए टेंजिबल चीजें बनाते हैं जो हमारे कहने पर विश्वास करते हैं। यदि ठीक से किया जाता है तो वह मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रास्ता बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज अबाउट लिसनिंग। सिंबल्स हमें इंटेंजिबल को टेंजिबल में बदलने में मदद करते हैं, और एकमात्र कारण सिंबल्स का मीनिंग है क्योंकि हम उन्हें एक मीनिंग देते हैं। लोगो एक सिंबल का प्रतीक बन सकता है जब वह लोगों को इसका उपयोग करने के लिए इंस्पायर करता है कि वे कौन है। हार्ले डेविडसन का एग्जांपल लें। हार्ले डेविडसन लोगों की वैल्यूज और लाइफस्टाइल का सिंबल है। सिंबल अब हार्ले के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जो हार्ले डेविडसन से प्यार करते हैं।
द सैलरी टेस्ट, आपके कंपटीशन के लिए क्या अच्छा है ये आपके और इसके विपरीत क्या अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये कैसे जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसा करने के लिए सिनिक ने सैलरी टेस्ट को प्रपोज किया है। सोचिए अगर लोगों ने आपसे कहा कि ग्रो करने के लिए आपको कुकीज, न्यूटेला, सेलरी, फ्रूट्स और आइसक्रीम की जरूरत है, क्या आपको ये सब मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह समय लेने वाली हैं और महंगी हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके वाई के मीडियम से सब कुछ फिल्टर करना है। इसलिए यदि आपका वाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप शायद केवल फ्रूट्स या सेलरी को चुनें। जब आप अपने डिसीजन को अपने वाई के मीडियम से फिल्टर करते हैं तो आप मनी और टाइम की सेविंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने गोल के लिए ऑनेस्ट रहते हैं। चैप्टर 11, व्हेन वाई गोज फजी। इस चैप्टर में सिनिक उन कंपनियों के बारे में बात करता है जो अपने असली वाई को खो चुके हैं। वॉक्सवैगन और वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लें। वॉक्सवैगन का मतलब है लोगों की कार, और इसकी छवि हमेशा सभी के लिए रिलायबल और सस्ती कारों की रही है। असली वॉक्सवैगन बीटल इंडिपेंडेंस का एक सिंबल थी, इसलिए जब उन्होंने बहुत महंगी $70,000 की वॉक्सवैगन फैटन को लॉन्च किया तो उन्होंने अपने वाइफ के खिलाफ उड़ान भरी और कुछ भी नहीं बिका। वॉलमार्ट एक बहुत सीरियस केस था। वॉलमार्ट की शुरुआत सैम वॉल्टन ने लोगों और कम्युनिटी को कम कीमत पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने में मदद करने के विचार से की थी। हालांकि अपने फाउंडर्स की डेथ के बाद कंपनी ने केवल कम कीमतों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन लोगों और उनके द्वारा दर्ज की गई कम्युनिटीज की मदद करने के बारे में भूल गई। वॉलमार्ट सीरियस ट्रबल में पड़ गया और उसने अपना शुरुआती वाय खो दिया। सिनिक का कहना है कि वाई की क्लैरिटी प्राप्त करना सबसे कठिन हिस्सा नहीं है, सबसे कठिन हिस्सा बाहरी सलाह पर भरोसा करना और अपने कारण या विश्वास पर खरा उतरना है। चैप्टर 12, स्प्लिट हैपेंस। एक आइडिया, शायद यहीं से एक कंपनी शुरू होती है। शुरुआत में आइडिया जोश से भरा होता है, यह बहुत ही कंपेलिंग इमोशन है जो कभी कभी हमें इरेशनल काम करने के लिए इंस्पायर करती है, लेकिन जोश में आने और सरवाइव करने के लिए उसे स्ट्रक्चर्स और हाउ की आवश्यकता होती है। ज्यादातर कंपनियां फेल हो जाती हैं क्योंकि हाउस एंड वाइज दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। चैप्टर 13, द ओरिजिन ऑफ अ वाई। आपने शायद सुना है कि बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मार्केट रिसर्च करते हैं, अपने कस्टमर को जानते हैं और फिर अपनी निश का निर्माण करते हैं। हालांकि सिनिक इससे एग्री नहीं करते। सिनिक के अकॉर्डिंग वाई जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे आगे देखने से नहीं मिलता है, पर वहां पहुंचने के लिए एक सही स्ट्रेटेजी का पता लगता है। यह मार्केट रिसर्च या उस मामले के लिए कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू से पता नहीं चला है, यह पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में देखने से आता है जहां से आप सभी हैं। वाई खोज का एक प्रोसेस है, आविष्कार नहीं। वाई आपके भीतर है, और एक बार जब आप अपने वाई को ढूंढते हैं और जानते हैं तो सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि यह सच है। चैप्टर 14, द न्यू कॉम्पिटिशन। जब आप दुनिया के खिलाफ होते हैं तो हर किसी के साथ कम्पीट करते हुए कोई भी आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप खुद से कम्पीट करते हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहता है। अब हम ये सोचते हैं कि हम कैसे बिजनेस करते हैं। हम हमेशा किसी और के खिलाफ कम्पीट कर रहे हैं, ज्यादा फीचर, बेहतर क्वालिटी, बेहतर सर्विसेज। हम हमेशा खुद की तुलना कॉम्पिटिशन से करते हैं और कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। क्या होगा अगर हमने हर एक दिन खुद से बेहतर होने के लिए काम किया? सभी ऑर्गेनाइजेशन वाई से शुरू होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ महान ऑर्गेनाइजेशन साल दर साल अपने वाई को क्लियर रखते हैं। जो लोग वाई भूल जाते हैं वे खुद को आगे बढ़ने के बजाय किसी और से आगे की दौड़ में निकल पड़ते हैं। सच ये है, आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिशन हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपको अपना वाई समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारी टीम के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो बताए गई ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आपको एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू।